हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों, सोमी ने कुछ दिन पहले मी 9 और मी 9 मिक्स जैसे अल्फा जैसे फ़ोन्स में भी मी 11 का अपडेट का दोस्तों वर्जन्स का जो अपडेट्स है इसे सारे फोन में देना स्टार्ट कर दिया था। अब दोस्तों सोमी अपने दोस्तों कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो दोस्तों आप लोग बहुत ही पसंदा आया कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे डिवाइस जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, सबसे बजट डिवाइसेस में भी अब मी 11 का अपडेट्स का देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि दोस्तों हम बात करेंगे सोमी के रेडमी 7 और रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो और यहाँ तक कि दोस्तों रेडमी के K20 प्रो में भी ये आपको मी 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों आपको बता दो कि जानकारी के लिए दोस्तों जो ये वर्जन है मी 11 का, ये दोस्तों ये फिलहाल अभी चाइना के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और बात करें इसके मी 11 का जो वर्जन का, तो दोस्तों मी 11.0.3 जैसे कि ये रेडमी K20 और वही दोस्तों बात करें रेडमी नोट 7 का बात करें तो वही मी 11.0.0.1.0 जैसे ये रेडमी 7 जैसे डिवाइसेस में भी अवेलेबल है। बात करते हैं दोस्तों इसकी MB जो अपडेट साइज फाइल इसकी है, जैसे कि बात करें इसमें 700 MB फाइल साइज दी गई है, जो दोस्तों आप लोग के लिए कहीं कह सकते हैं उतने बड़ी डिवाइस इतनी बड़ी फाइल साइज तो नहीं दी गई है जिसके लिए दोस्तों आप लोग सक्षम ना हो इसके लिए ना कह सके। और बात करते हैं दोस्तों मी 11 के लेकर, तो मी 11 दोस्तों ये फिलहाल भी चाइना के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हाँ, ये भी दावा किया जा रहा है कि जब इस मी 11 अपडेट्स को दोस्तों ये सारे डिवाइसेस में इंडिया में दोस्तों इस हफ्ते के अंदर दे दिया जाएगा। फिलहाल ये चाइना वर्जन्स में अवेलेबल से, तो दोस्तों चाइना वर्जन्स में भी आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं दोस्तों इसके भी एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से इसे अपडेट या अपलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल आप लोग बता दीजिएगा कौन कौन सा रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7 का यूजर्स है और रेडमी K20 का यूजर्स है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप लोग में से किसको किसको ये अपडेट्स मिल चुका है, ये जारी हो चुका है मी 11 का, ये कमेंट करके कमेंट बता दीजिएगा। अब फिलहाल आप लोग चाइना वर्जन्स में अपडेट किए हैं कि फिलहाल अभी इंडियन वर्जन्स के लिए वेट कर रहे हैं, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल ये दोस्तों इस्टेब्लिश चाइना में किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे प्रोसेस सारे प्रक्रिया सब कुछ आपको समझ में आएगा। अभी भी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोस्तों वीडियो भी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इसी तरह जुड़ी हुई वीडियो लेकर आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।